देखिए मेरे पापा इधर बना रहे हैं और मेरी मम्मी इधर बैठ के देख रही है। आज मम्मी तो बहुत खुश है क्योंकि आज पापा से खाना बना के खिला रहे हैं ना। मम्मी कितना खुश है मम्मी। अरे वाह, थोड़ा जोर से बोल भी की को, मछलियों खा ले बात करें ना। जोर से बोल भी। जोहार, गुड मॉर्निंग, न्यू ब्लॉग्स में फिर स्वागत है। आप लोग कैसे, उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त और बढ़िया होंगे। दोस्तों मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ और अभी हो चुकी है सुबह। देखिए मस्त धूप निकला है, सूरज देव निकल चुके हैं और उधर मेरा चाचा पटा रहा है बारी। अलवा नहीं दिखेगा। और अभी इंदु जा रही है नहाने के लिए और अभी का टाइम हो गया 6:30 का। क्या कर रही तुम, देख रही छुआटो क्या कर रही है? हे भगवान, हे भगवान, कहाँ हिना डाल नीचे लड़की, वहाँ जल भी नहीं करता और कहाँ डाल रही है, देख रहे पागल लड़की। नीचे डालो, नीचे नीचे दिमाग लगा रही है, खरू खरू कर रही है ना। करंट मारता रे, वहां घुसा भी ना लेकिन मारता करे। हाँ लुड़ी ना था पता चल जाता है। अब इंदु जला रही है लाइट से, हम लोग को बहुत जो डर लगता है। वहां नहीं करो, नीचे करो, नीचे वहां बाहर देखने बारे। नीचे डाल ली, नीचे डाल, नीचे वाला डाल ली। अभी हम लोग नहाने जाएंगे दोस्तों और अभी का टाइम हुआ है, देखिए 6:30 है और धूप भी नहीं उगा है, लेकिन भी जाएंगे नहाने के लिए क्योंकि इंदु को स्कूल जाना है। तो साथ में सोच रहे अभी नहा लें क्योंकि मेरे को भी फिर जाना है दुकान तरफ, तो इसीलिए मेरा भी कपड़ा खोजा। मजा खोजा थी पगली, कपड़ा पूरा ऐसा किधर किधर डाल देती तुम ही लोग, इसीलिए नहीं तो मेरा मिल जाता है आराम से। ज्योति कर रही है, ज्योति बड़ी दुख की बात है दोस्तों। कहाँ पर रही, छिपा रही है डोम को, क्या खा रही है? बड़ी दुख की बात है, हम लोग का शैम्पू खत्म हो चुका है, पता है? ढूंढ नहीं हूँ शैम्पू, शैम्पू अभी जा रहे हैं, आज मिट्टी से नहाएंगे। अब मिट्टी भी है कि नहीं पता, क्या करेंगे हम लोग, गरीब छुआ है इसीलिए माटी से भी नहा लेते हैं। देखिए मिट्टी से नहाएंगे, इसको तोड़ना पड़ेगा, टुकड़ा टुकड़ा करना पड़ेगा छोटा छोटा, उसके बाद फिर इसको पानी में फुलाना पड़ेगा, उसके बाद फिर नहाएंगे इससे, नहाएगी परी मिट्टी से, परी भी आ गई नहाएगी। बकरी सब खाने के लिए कैसन हो रही है, धान खा बेरे। और अभी तक पूरा कुआसा है, कुआसा साफ भी नहीं हुआ है, देख रही पूरा दीपावली का पूरा चल रहा है उधर तैयारी। बहुत लेदरा धोने के लिए आई है उधर गांव तरफ की, और हम लोग धोए भी नहीं है ना भाई। तुम धोई है, धोई है तुम, क्या करेगा पुस्तम पानी को, देख दे। अभी हम लोग जा रहे हैं दोस्तों, ब्रश की रहे माँ, मैं तो दत्तुन ही नहीं पकड़ी हूँ, है परी दत्तुन भी नहीं है हम लोग का, पता है? तभी मैं घाटो होता है ना उसको तोड़ूंगी, उसी से करेंगे। माँ लोग गई भी नहीं है जंगल तो कहाँ से दत्तुन लाएगी, और फिर करंज का है तो उसमें चढ़ना पड़ेगा और याद भी नहीं था, अभी जा रहे तभी याद आ रहा है। पागल लड़की दिमाग नहीं लगाती बेटा, दतन तोड़ तो। देखिए ये घाट का है, इसी का तोड़ेंगे। तुम नहीं जाओ, तुम नहीं जाओ, गिर जाएगी कार का। ये वाला घाट का है, इसी का तोड़ लेंगे दतुन। गांव देहात का यही तो फायदा है, किसी को भी कुछ भी कर लीजिएगा। बहुत पानी है इसमें,
हम लोग बच्चे थे ना उसमें बहुत डुबक डुबक के नहाते थे, लेकिन आजकल नहीं मन करता है नहाने के लिए। बहुत बड़ा है हम लोग का तालाब। और हम लोग का तालाब का तो नक्शा ही बैंड हो गया दोस्तों, पता है, देख रही, कोई इसको दूर से देखेगा ना तो बोलेगा भी नहीं कि तालाब है, लेकिन ये एक्चुअली में ये तालाब है। और इसमें इतना ज़्यादा घास हो गया है ना, और हम लोग का यहाँ बहुत ज़्यादा तीता साग हो गया, लेकिन हम लोग तोड़ते नहीं। शायद हो सकता है जो सब गाँव देहात से होंगे वो लोग जानते होंगे तीता साग किसको बोलते हैं, लेकिन हम लोग नहीं तोड़ते हैं। अरे आप लोग को दिखाने का कोशिश करूंगी तीता साग किसको बोलते हैं उसको, देखिए वो जो दिख रहा है ना यही है तीता साग। मम्मी लोग बोलती है कि अगर भूख ना लगे ना तो ये तीता साग को, जैसे देख आप लोग जैसे देख पा रहे होंगे, पता उतना नहीं चल रहा हो क्योंकि दूर पे है तो जूम कर रही हूँ, फट जा रहा है। क्या हुआ, मैं क्या बोल रही हूँ, मम्मी सब बोलती है दोस्तों कि जिसको भूख नहीं लगता है ना वो तो तीता साग का चटनी करके खाने से भूख मतलब लगता है, ऐसा माना जाता है, बोलते हैं। और मेरी नानी तो ज़्यादा पसंद करती है, मेरा नानी घर तरफ नहीं है तो जब भी आती है नानी तो लेके जाती है, मम्मी उसके लिए मतलब सुखा के रखती है, इसको तोड़ के फिर पानी में उबाल के उसका पानी को निचोड़ के निकाल के फिर उसको सुखा के फिर अच्छा से उसको मल के और पूरा मतलब महीन करके फिर उसको रख देते हैं, फिर टमाटर लहसुन और मिर्चा के साथ में चटनी करके खाते हैं। लेकिन हम लोग का घर के सामने है ना, इसीलिए शायद हम लोग उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन दूर दूर से बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं। एक मतलब बुढ़ी अम्मा आ गई थी यहाँ पे तोड़ने के लिए, और पता है एकदम आई उधर से और ऐसे ही था, पता नहीं चला उसको, और ऐसे घुस दी, पता है पूरा भयानक, पूरा इतना दूर तक घुस गई थी। एक बड़ी माँ थी उसका डेथ हो गया, इतना गरिया रही है ना उसको, यहाँ जितना लोग थे झरना में सब हंस रहे, मतलब पूरा घुस गई थी और अचानक बका गई बाद में, फिर बड़ी माँ दौड़ के गई फिर उसको खींच के निकाली। इसे देख रहे, इसीलिए कहीं पे जाइएगा आप लोग तो थोड़ा सा सोच समझ के घुसिएगा इसको, ये बहुत गड्ढा है ये तालाब और बहुत ज़्यादा दलदल भी है, लेकिन देखिए कोई देख के बोल नहीं सकता है कि यह तालाब है, इतना ज़्यादा घास हो गया ना। एक्चुअली में इसको एक बार हटाया गया था और जिस स्थिति से, लेकिन फिर से हो गया। और फिर गर्मी का सीजन में बहुत सारे भैंस और कड़ा सब आए थे तो लोग भी खा खा के पर डे आके ख़त्म किया था, लेकिन फिर से पानी पड़ गया तो फिर से घास हो गया। तो इन लोगों की बर्तन धो रही है तो जल्दी जल्दी धो देते, नहीं तो मेरे को मारेगी, मुझे गुस्साती है कि तेना फुट रही हूँ कारे है रे छुआ, हिंदू बोल रहे हैं गुस्साती है कारे छुआ, गरियाती है मेरे को। आप लोग पता है ना कैसा लड़ती है, आप लोग तो जानते ही कैसा लड़ती है, देख रहे कैसे हंसती है, का 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 इंदुमती है इंदुमती। और हम लोग यही वाला पानी भी नहाएंगे ना परी, हाँ परी भी नहाएगी। देखिए पानी डाल दिए तो देखिए मतलब कैसे पूरा ये हो गया, फूल गया, इसको नहीं छुएंगे नहीं तो छूने से फिर ये हार्ड हो जाएगा, फिर इसी को बाल पे लगाएंगे। आ गया दोस्तों, लेकिन मेरा ठंडा से तो हालत खराब हो रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है, और हिंदू इधर तैयार हो रही है जाने के लिए, और हम लोग आंगन में तो धूप भी नहीं आता, बड़ा वाला आंगन में आता है धूप, तो उधर जा रहे हैं धूप थोड़ा सा खाएंगे, बहुत खतरनाक ठंडा। मैया मेरी माए सोहराय का इंतजाम कर रही है, हम लोग का इधर सोहराय में मछली खाते हैं ना, ओ सोहरी दीपावली, आप लोग सोहराय नहीं जानते हैं दीपावली में, तो इसलिए वो जाल रेडी कर रही है तालाब में लगाएगी बोल के। अभी थोड़ा थोड़ा इधर से धूप आ रहा है, थोड़ा थोड़ा सेकाएंगे तो अच्छा लगेगा, मुरुख ठंडा। बोलो कुछ, मैं रेडी कर रही हूँ बर्गर, आइए बर्गर खाने के लिए। और एक बना कर रख देते हैं इंदू के लिए।
फाइनली गाइस देखिए मेरा बर्गर बनके रेडी हो चुका है। वाओ यमी यमी बर्गर किसको किसको खाना है आ जाइए आप लोग बर्गर खाने के लिए। देखिए कितना यमी लग रहा है क्या ज्योति। इधर रंजीत और ज्योति भी क्या कर रही है ओ ब्लूटूथ बना रही है। और हम लोग का घर पे क्या सब्जी बना है क्या आप सब्जी बना ज्योति। और पापा लोग शायद कुछ सब्जी बना रहे हैं इधर खाना बना रहे हैं बाप बना लगवाए पिया। ओह वाओ कैसा पियान बना है कैसा सब्जी बन रहा है क्या सब्जी बन रहा है। पनीर बना रहे हैं अंडा पनीर अंडा पनीर हम लोग का घर पे बन रहा है। देखिए पापा बना रहे हैं पिज्जा चला रहे हैं। देखिए मेरे पापा इधर बना रहे हैं और मेरी मम्मी इधर बैठ के देख रही है। आज मम्मी तो बहुत खुश है क्योंकि आज पापा उसको खाना बना खिला रहे हैं ना। मम्मी कितना खुश है मम्मी। अरे वाह थोड़ा जोर से बोल भी को मछली खा ले बाप करी ना जोर से बोल भी को बाप करो पापा बना रहे हैं खाना अंडा पनीर अंडा पनीर और लकड़ी का चूल्हा में भी स्वाद सिंट सिंट लाइट भी है लेकिन फिर भी लकड़ी का चूल्हा हम बना रहे हैं। तो हम लोग अभी तो पता नहीं है लेकिन खाएंगे तब ना पता करेंगे ना ज्योति कैसा टेस्ट है उसको। पहले खा के देखो उसके बाद में बात। अब मेरी माँ इधर पूरा चगोनी मुस्की मार रही है खाए ना ज्योति खा भी गई कैसा लगा। बहुत मजा लगा एकदम कैसा तो? तुमको पनीर में मीट का स्वाद कहाँ से आ गया। अंडा पनीर है ना तभी डबक रहा है दोस्तों और देखते हैं कितना देर में बनेगा। बनिए गया पापा बोल रहे बनिए गया अब खाना है। तो मेरे को तो भूख लग रहा था लेकिन अभी और ज्यादा जोर से भूख लग रहा है। ब्रेड दो तो बनाई थी रे नहीं बनाई थी इंदू तो पूरा गरिया रही होगी ना दीदी कह रहे दीदी के तेरे को बनाए खावा कौन हम कहते चना ले जो थी लगा बनाए किया जो सला बड़ी छप्पर और सब्जी तो देखिए वाओ मस्त लग रहा है। पापा बनाए हैं तो हम लोग जल्दी से चल जाते खाना निकालो अभी जल्दी से खाएंगे। फिर बड़ी तो बोल रहा हूँ बड़ी खा लो ला बड़ी खा बड़ी खाए बड़ी बोल रहे हैं। और इंदू तो देख रोटी सबके लिए देखिए खाना निकाल रही है। और इंदू इधर आके कमर लचका रही है बड़ा रे हीरोइन दादी माँ जल्दी जल्दी निकालिए। तो दादू मन के मन नहीं बचाए थे सबके खाए के सिराए थे और बाबा इधर बचाए थे बचाए थे वो किसी ने खत्म मत कितना खा दीदी हो गया ना मेरे को अपना वाला थाली में दो ना ओला है मेरा थाली जानती है जन मेरा थाली कौन है फिर भी तुम दूसरा थाली देती है। पांच जन हम लोग भी ज्यादा थोड़ी खाएंगे थोड़ा थोड़ा बांटो तो कटोरी निकालो आपकी चाहिए क्या जल्दी अच्छा के दे दे हुआ तक ना इच्छा दे दे हां चलो तो ऊपर चढ़ा रहे तो का ओ जति हां आज नहीं आज हमारे मामा लोग बहुत यम्मी वाला ब्रेड अपने खाए तो बर्गर खाए का मम्मी क्या पूछ रही मम्मी ये मां कसम खाती हो मां बर्गर का ना दैया मैया मां कर दी थी पता है पूरा ये इसम टूट टूट के काट कर लो बाबा को पहुंचा दो मम्मी को भी पहुंचा दो पहले। मम्मी और पापा उधर खा रहे हैं और अजीत जा रहा अपना रूम तरफ देखे तो है मम्मी पापा मेरे और ज्योति इधर खा रही है। ज्योति कैसा लगा। और इंदू आ रही है ए इंदू चप्पल खोल किचन रूम में चप्पल खोल पहन के घुसती है बंदी। और मैं भी और ये खाने के लिए
ज्यादा दूध लेनी बाबा ज्यादा दूध ले आमटी है नमक नहीं है ना मतलब एमडीएच चाची है मैया के थोड़ी पता चलेगा ओहो पनीर सब्जी खा लिए है और देखिए अभी जो क्या कर रही है पूरा फोन पे पूरा वीडियो देख रहे हैं मेरा ये ब्लॉग्स देख रहे हैं सब कोई अभी हम लोग खाना सब कोई खा लिए है और पता नहीं कब तक देखेगी लोग वीडियो और मेरी भी लग रहा है मेरे को मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ तो आज का ब्लॉग यहीं तक एंड करते हैं दोस्तों नहीं तो दोस्तों आज का ब्लॉग सही तक इन करते हैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय झारखंड जय झारखंड वंदे मातरम बाय बाय कर दो इंदू बाय बाय दोस्तों।